नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों पर। बीते दिनों पाकिस्तान में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल ननकाना साहिब में हुए पथराव को लेकर संपूर्ण भारत में सिखों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान में हुई इस प्रकार की घटना से संपूर्ण विश्व के सिखों में आक्रोश व्याप्त है और सिख समुदाय के द्वारा जगह जगह अपना रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में तहसील के काटाफोड़, नानक नगर, हथनोरी व सतवास के सिख समुदाय ने मिलकर तहसील मुख्यालय सतवास व पुलिस थाना काटाफोड़ पर अपना आक्रोश व्याप्त करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर ज्ञापन सौंपा। सिख समुदाय के लोगों ने बताया कि हमारे पवित्र तीर्थ स्थल ननकाना साहिब पर आपत्तिजनक टिप्पणी व पथराव को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ननकाना साहब में जो सिख समाज का सबसे आस्था का केंद्र है, जो भारत पाकिस्तान के समय पाकिस्तान में वो स्थान रह गया था ननकाना साहब, वहां पर विगत समय जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने कायरनापुर हरकत की है, सुअर की औलादों ने, मैं तो ये कहूँगा, जो हरकत की है उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। उस घटना को लेकर पूरे देश में और विश्व में जहाँ भी सिख समाज निवास करती है विरोध है। उस विरोध के स्वरूप काटाफोड़ की समाज, नानक नगर कालापटरा की संगत, सतवास की संगत, हथनोरी की संगत ने सामूहिक रूप से यहाँ TI साहब को ज्ञापन दिया है और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस घटना को तुरंत आगे इस प्रकार की घटना न हो, उसे रोका जाए और जो अपराधी व्यक्ति है उन्हें सजा दी जाए। अन्यथा मेरी तो ये भी मांग है, मैं तो आपके माध्यम से ये मांग करूँगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की जो सिख रेजिमेंट है उसको ही सिर्फ छूट दे दी जाए कि पाकिस्तान से आप निपटे, पूरे साधन आपको देते हैं। तो मेरा ये चैलेंज है, सिर्फ सिख रेजिमेंट ही पाकिस्तान को 48 घंटे में नेत्र नापूस कर देगा। बने रहिए हमारे साथ आज की खबरों में, बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह, देखते रहिए IBN 9 न्यूज़।